मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स की तजवीज़ वापस। मोबाइल फोन सस्ते होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, देही इलाकों के गरीब फर्द को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए देंगे। शहरी इलाकों के आवाम को अपने घर के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। IMF प्रोग्राम से नहीं निकले, बातचीत जारी है। टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। ग्राहक दुकानदार से पक्की रसीद जरूर वसूल करें। पक्की रसीद पर 1 लाख रुपए तक इनामात दिए जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। कहा, आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का हदफ है। 850 cc गाड़ियां सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। IT सेक्टर्स के लिए ड्यूटीज तकरीबन खत्म कर देंगे। टेक्सटाइल बरामद को बतदरीज बढ़ाएंगे। 20 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर है। कस्टम ड्यूटी की शरह कम कर रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद ने पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा। खुसरो बख्तियार ने कहा कि कराची में 1500 एकड़ पर मुहित इंडस्ट्रियल जोन कायम कर रहे हैं। सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास प्रोग्राम को 50 अजला तक लेकर जाएंगे। रकम 12000 से बढ़ाकर 13000 कर दी। विफाक और पंजाब के बजट की मंजूरी से रोका जाए। तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार करें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हिदायत। एहसन इकबाल कहते हैं, बजट तकरीर की कोई हैसियत नहीं। कामयाबी दावों से नहीं मिलती। आइंदा इलेक्शन में वोट चोरी हुआ तो हर पाकिस्तानी चौकीदारी करेगा। हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने पर गौर। पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने सवाब दीदी इख्तियार से शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया था। आइन के तहत तकर्रुरी से 6 माह में शौकत तरीन का रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर बनना ज़रूरी है। नज़र नहीं आ रहा कि सिंध में बजट का पैसा कहाँ जाता है। कराची के आवाम सिंध हुकूमत से तंग हैं। सूबे को बलदियाती निज़ाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 140A पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को सिंधी कौम परस्त पार्टी बना दिया है। सखा में एडिशनल सेशन जज ने खुर्शीद शाह के बेटे और रुकने सिंध असेंबली फारूख शाह को नैब के हवाले कर दिया। फारूख शाह ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सरेंडर किया था। फारूख शाह से आमदन से ज्यादा सासा जात केस की तफ्तीश करेगी। इस साल भी बैरून मुल्क से आजमीन हुजाज मुकद्दस नहीं जा सकेंगे। सऊदी शहरी और सऊदीया में मुकीम गैर मुल्क की हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी हुकाम ने हज पॉलिसी 2021 का ऐलान कर दिया। सिर्फ 60,000 अफराद को हज करने की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र, 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद पर पाबंदी आयद। आजमीन हज को कोरोना वैक्सीनेशन कराना लाजमी होगी। मुल्क में कोरोना के वार कम हो गए। 24 घंटों में 57 जाबाक, मजीद 1194 केसेज रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेज की शरह 3.4% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले 671 पुलिस अहलकारों और अफसरान की तनख्वाहें रोक दी गई। बनू में कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस अहलकार मौत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। देखते रहिए बोल न्यूज़।